managed to board it. This has been the biggest phobia of my life. मैं हमेशा ट्रेन मिस करती हूँ. ये ट्रेन ना पूरी की पूरी खाली है. बैंगलोर टू कन्याकुमारी जाती है ये त्रिवेंद्रम से, क्योंकि कन्याकुमारी बस 90 किलोमीटर्स है, तो इट विल टेक जस्ट 3 आवर्स. अभी मैं किसी स्टेशन पे तो पहुंची हूँ. काफ़ी गर्मी हो रही है और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, फिर भी ये बाइट देना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं अभी जिस पॉइंट पे खड़ी हूँ ये इंडिया का लास्ट पॉइंट है. इसके आगे देयर इज़ नो रेलवे ट्रैक. वेलकम टू कन्याकुमारी. कन्याकुमारी में पहुंच तो गई, स्टेशन से सीधा होटल गई, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें ना 4 बजे तक क्लोज हो जाती है. कन्याकुमारी में लोग सनसेट देखने के लिए आते हैं, सनराइज़ एंड सनसेट. तो अभी आई एम गोइंग टू सी द सनसेट. मुझे ये चीज़ बोला गया है हमेशा कि ना तमिलनाडु में लैंग्वेज की प्रॉब्लम है. मुझे प्रॉब्लम तो ऐसा सच नहीं हुई, बट एट दिस प्लेस ना थिंग्स आर लिटिल डिफ़िकल्ट, मतलब मेरे लिए, क्योंकि ये जगह बिल्कुल नहीं है और मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानती हूँ. इस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत तो हुई होटल तक आने में, बट हाँ मैं कोशिश करूँगी कि जब जब हो सके, जहाँ जहाँ हो सके, आप लोगों से सारी डिटेल शेयर करूँ. अभी मैं जा रही हूँ एक जगह पे जिसको कहते हैं त्रिवेणी संगम, और यहाँ पे पीपल आर लिटिल कंजर्वेटिव इन कंपैरिजन टू केरला. आई एम नॉट सेइंग इट इन अ बैड वे, जस्ट सेइंग. सो बी लिटिल माइंडफुल अबाउट व्हाट यू वेयर. My God, guys, just look at this. How beautiful this whole thing is looking. That's the statue of a famous Tamil poet. I am forgetting the name, and that's Vivekananda statue. Sorry. Yeah, the whole temple. ओके, वन थिंग आई हैव टू टेल यू गाइज, आप यहाँ पे खड़े हो गए और आपको हज़ार लोग हज़ार चीज़ें बेचना शुरू कर देंगे, सो दैट इज़ लाइक लिटिल अनोइंग थिंग, बट ठीक है, इट्स अ टूरिस्ट प्लेस, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट ऑल्सो. अभी यहाँ पीछे दिस साइड पे देर इज़ दिस सनसेट पॉइंट, सो चलते हैं वहाँ पे और सनसेट इन्जॉय करते हैं. कन्याकुमारी एक ऐसी जगह है इंडिया में जहाँ का सनसेट और सनराइज़ दोनों ही काफ़ी फेमस है. तो क्योंकि मैं आज ही पहुँची हूँ और शाम का टाइम हो रहा है अभी, तो मैं सनसेट तो अभी देख ही सकती हूँ और सुबह के टाइम पे मैं आपको यहाँ का सनराइज़ दिखाऊँगी. बट देयर इज़ अ ह्यूज क्राउड हियर, लुक एट द क्राउड. मैं जब ये ट्रिप प्लान कर रही थी, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि अभी ऑफ सीज़न है, इट्स टू मच गर्मी. कहाँ है भाई ऑफ सीज़न, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं. आई डोंट थिंक सो दिस कैन बी कॉल्ड एज एन ऑफ सीज़न. काफ़ी भीड़ है. लेट मी टर्न द कैमरा एंड शो यू गाइस. इट्स मैडनेस यू गाइस. Come to a place like this, like so crowded after so many years, maybe that's why I'm feeling a little more overwhelmed. Last land of India and so many people. It's a beautiful sunset happening on that side. Okay, ये जो त्रिवेणी संगम है, इस जगह पे 3 sea मर्ज होते हैं, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी. सो वी के नॉट सी द मर्जिंग ऑफ इट, बट दिस इज़ द प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ पीपल कम टू सी द संगम. लेकिन यहाँ पे संगम आपको वो दिखाई नहीं देगा एक्चुअली.
इतनी भीड़ इसलिए भी दिखाई दे रही है क्योंकि ये जो संगम है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ अरेबियन सी, इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल, ऐसा कहते हैं कि इस जगह पे जो संगम होने के बाद जो पानी मतलब मिल के बनता है, दैट हैज़ गॉट सम मेडिसिनल बेनिफिट। तो अगर आपको कोई डिजीज़ है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ऐसा कहते हैं कि इस पानी में डुबकी लगाने से आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। दैट्स वाई यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल टेकिंग द डिप इन द होली वाटर। और क्योंकि ये पिलग्रिमेज सिटी है कन्याकुमारी, काफ़ी ज़्यादा पवित्र धरती बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे आपको रिलीजियस टूरिज्म सबसे ज़्यादा मिलता है। इट्स मैसिव क्राउड, ओह माय गॉड, आई हैव टू बी लिटिल केयरफुल विद माय कैमरा, विद माय माइक एंड आल्सो माय फोन, बट आई एम एंजॉयिंग इट। This looks like some photoshopped frame, you know. लग रहा है जैसे मैं एक photoshop में, you know, frame के आगे खड़ी हूँ, but this is त्रिवेणी संगम। It's pleasant here. इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, but फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा लग रहा है। And sunset over. अभी यहाँ पे खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे stalls हैं, so let's go and try out something. And after that, इस वाले lane पे ही ना, there are a lot of shops. तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से कुछ शॉपिंग कर पाए, तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बट आई एम हैप्पी, आई एम जस्ट वे टू हैप्पी कमिंग टू दिस लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, बिकॉज दिस वॉज माई ड्रीम कि मैं कन्याकुमारी कभी जाऊँ। लोग कश्मीर से कन्याकुमारी आते हैं, मैं कश्मीर नहीं गई हूँ अब तक, तो मैं कन्याकुमारी से होते हुए कश्मीर पहुँचूँगी। शाम तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, मतलब अब रात होने जा रही है, और इस जगह की जो एनर्जी है ना, डेफिनेटली यू विल फील दैट, वो होली प्लेस की जो वाइब होती है, मंदिर की घंटियाँ बज रही है, और इस साइड पे देयर इज दिस फेमस कन्याकुमारी टेम्पल जहाँ मैं कल सुबह जाऊँगी, और चारों तरफ सिर्फ वो मंदिर और पूजा वाला एटमोसफेयर है, तो काफ़ी ज़्यादा यू नो दैट व्हाट यू से दैट डिवाइन एनर्जी यू विल फील। लोग हैं इतने ज़्यादा, लेकिन एक अलग ही पर्पज़ से हैं यहाँ पे, क्योंकि सबके सब पूजा करने के लिए ही आए हों यहाँ पे। अगर मुझ जैसे भी लोग हैं जो कि टूरिस्ट की तरह आए हैं, बट दे हैव ऑल्सो कम हियर विद दिस, यू नो, टू विटनेस दिस एनर्जी, टू विटनेस, टू सी दिस प्लेस, एंड ऑफ कोर्स द ब्यूटिफुल स्काई एंड द सनसेट। ओवरऑल मैं जो थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ आई थी कन्याकुमारी, वो मेरी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुई। मतलब क्राउड तो होगा ही, डेफिनेटली आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस क्राउड, लेकिन ये जो मुझे बस आना था कि इंडिया का लास्ट लैंड मुझे देखना है, उस वजह से मुझे काफ़ी 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 ज़्यादा ये जगह पसंद आई। आई मीन इट्स ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, लुक एट द स्काई। एक्चुअली कैमरे पे वो चीज़ ढंग से कैप्चर भी नहीं हो पा रही है, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही है इस इतनी ज़्यादा विंडी चीज़ों में, बट ठीक है, सी देयर सम पूजा इज़ हैपनिंग। एनीवे आम खाने आए हम, हाउ मच? 50। इतना नहीं चाहिए, मसाला बटा ची, मसाला बटा करो, वांग मटा माँ, नहीं मसाला बोल दिया मार। यहाँ पे ना बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे यू कैन बाय सम सुवेनियर। सो ये जो शेल का जो आर्ट होता है ना, आर्ट वर्क, मिरर, वॉल हैंगिंग एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, इट्स वेरी पॉपुलर हियर इन कन्याकुमारी। देयर सच गॉर्जियस शैंडेलियर्स हियर, आई एम श्योर एक या दो किलो वेट तो होगा ही, इट्स क्वाइट प्रिटी, वाओ। सो आई एम बाइंग गणपति, दिस इज सो 160 रुपीज, एंड देर सेइंग दैट सम आयुर्वेदा थिंग से बना हुआ है ये कोकोनट शेल से नहीं बना है, इट लुक्स सो प्रिटी, सो आई एम पिकिंग इट फॉर 160 रुपीज इज सेइंग, कुछ तो कन्याकुमारी से लेके जाऊंगी। सुबह के 4 बजे उठकर कन्याकुमारी माता के दर्शन करने आई हूँ। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना,
जब सब कुछ बहुत ही ज्यादा ठीक ठाक चल रहा हो ना, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है। इस टाइम पे मेरी माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई और मुझे ये रियलाइज हुआ अब से 3 घंटों के बाद और काफ़ी ज़्यादा व्लॉगिंग करने के बाद। आई नो, मुझे भी काफ़ी हंसी आई थी। तो अब यहाँ से आगे कुछ टाइम के लिए ना आपको ऑडियो के साथ थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बस कुछ ही मिनटों की बात है और ये आगे का सफ़र ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहुँच गई हूँ मैं, त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं इस जगह को भी, और यहाँ पे ही मंदिर है बेसिकली। इस वाले रोड पे आप बस त्रिवेणी संगम बोल देना और आप आराम से सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो कन्याकुमारी में। मंदिर है, सुबह के 4:30 बज रहे हैं। वैसे अब जब मंदिर पहुँच गई हूँ तो कुछ टिप्स हैं जो आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों को ना कन्याकुमारी में घूमते हुए इन टिप्स की ज़रूरत पड़ेगी। कन्याकुमारी मंदिर और ये त्रिवेणी संगम वाली जो जगह है ना, इन दोनों जगहों पे सनराइज के बाद काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो कोशिश करना कि आप भी सुबह उठ के मंदिर चले जाओ। मंदिर का द्वार 4:30 बजे खुल जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको कोई भी टिकट लेने या किसी भी तरह के पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी। मंदिर के अंदर काफ़ी पंडित मिलेंगे जो VIP दर्शन के लिए आपको अप्रोच करेंगे। ट्रस्ट मी, सुबह के टाइम पूरा का पूरा मंदिर खाली होता है, आपको VIP दर्शन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो अपने पैसे बचाना और आराम से सुबह के सुबह दर्शन कर लेना। दिस गॉडेस कन्याकुमारी, जिसको कि वर्जिन गॉडेस भी कहते हैं। सो कन्याकुमारी माता इज एन अवतार ऑफ पार्वती माता। सूरज का इंतजार हो रहा है, मेरे साथ साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं। पूरी की पूरी जगह खाली है, मुझे लगता है आज का दिन ना सिर्फ मेरे लिए ही है डेडिकेटेड कन्याकुमारी, जहाँ जा रही हूँ सारे स्पॉट्स खाली है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी का एक काफ़ी पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ जाने के लिए आपको सुबह के 7 बजे से जेटी मिलनी शुरू हो जाती है। मेनलैंड से ये कुछ 500 मीटर की दूरी पे है। इसे 1970 में स्वामी विवेकानंद जी के ऑनर में बनाया गया था। ऐसा कहते हैं कि स्वामी जी ने यहाँ 3 दिनों तक मेडिटेशन की थी, और आप लोगों को पता है कि मुझे पानी से कितना डर लगता है। थोड़ी बहुत हिम्मत शायद कर भी लेती, लेकिन आज ना समंदर को देख के काफ़ी सिकनेस सी हो रही है, इसलिए मैं रॉक मेमोरियल नहीं गई। धूप इतनी ज़्यादा हार्श हो गई है कि मुझे ऑनेस्टली कुछ भी ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं अभी जेटी पॉइंट पे खड़ी हूँ, यहाँ पे यू कैन सी द बोट्स एंड जेटीज। तो यहाँ से ये जेटी लेके आप वो स्टैचू और विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक आप जा सकते हो। आई थिंक आई एम गोना स्किप दिस बिकॉज फर्स्ट आई डोंट हैव टाइम, सेकेंड आई एम फीलिंग अ लिटिल सिकनेस वाटर, सो आई शुड नॉट बी फोर्सिंग माई सेल्फ टू मच, क्योंकि मुझे अभी भी आगे बहुत दूर तक जाना है। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है कि मेरी मतलब स्किन ना यहाँ पे ऐसी सी हो जा रही है,
मतलब नॉर्मली आप देख ही नहीं पाओगे। सो दिस इज देसी गर्ल ट्रैवलर फ्रॉम द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया कन्याकुमारी, और अब हम यहाँ से चलते हैं रामेश्वरम। जा रही हूँ मैं रामेश्वरम, सो आई हैव टू टेक 2 बसेस। कन्याकुमारी का बस स्टैंड, और अभी कंफ्यूजन है कि मैं कौन सी जगह जाऊंगी जहाँ से मुझे रामेश्वरम की बस मिलेगी। दादा मेरा 9 बजे बराबर टाइम में इधर आएगा। 9 बजे कहाँ का बस आएगा? तिरुनेलवेली का। ठीक है, और उसके बाद वहाँ से रामेश्वरम कितना घंटा लगता है यहाँ से तिरुनेलवेली? 1.5 घंटा लगेगा। ओके, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द पीपल ऑफ तमिलनाडु दैट दे आर वेरी फ्रेंडली। वैसे मैं कन्याकुमारी में काफ़ी इरिटेट हो चुकी हूँ, मतलब वेंडर्स हर जगह कोई ना कोई आपसे पैसा लेने की कोशिश करता रहता है, बट पीपल आर नाइस। तो ऑटो ड्राइवर हेल्प्ड मी आउट, सो होपफुली आई शुड बी फाइन। 9 बजे बस आएगी और अभी ऑलमोस्ट 8:45 हो चुका है, सो 15 मिनट में आई शुड बी एबल टू। सो आई मैनेज टू बोर्ड द बस टू तिरुनेलवेली एंड बस मिल गई थी आराम से, ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। बसेज आर नॉट लाइक केरला बट इट इज स्टिल बेटर। आई गॉट अ सीट सो आई एम हैप्पी। माय लगेज, दिस इज अनदर बैग, अनदर बैग। Once again, it's proven that I'm God's favorite child, because I thought the heat will kill me, but man, look at this, the weather is so pleasant. मैं पहुंच चुकी हूं तिरुनेलवेली, बट द बिगेस्ट चैलेंज इज़ टू फाइंड अ बस टू रामेश्वरम। ये काफ़ी बड़ा बस स्टैंड है, तो आई हैव टू फाइंड माई वे टू गेट अ बस टू रामेश्वरम। बट मुझे ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे बहुत सारी बसेज होती हैं एंड इट्स ऑलमोस्ट आफ्टरनून टाइम एंड आई एम हंग्री, सो इट टुक मी 2.5 hours फ्रॉम कन्याकुमारी टू दिस प्लेस कॉल्ड तिरुवनहल्ली and Tiruvalli, I don't know, I'm gonna ride it, okay, I'm sorry for this, but yeah, I have to find out a bus to Rameshwaram. Let's ask here. Hi, a bus to Rameshwaram, 5 platform. 5 platform? Yes. How frequent is the bus? I don't know. Okay, so looks like I have to go to platform number 5. This is which platform? 2? One. 2, 4, 5. Okay, 5. Long way to go. I think I'll first eat and then I will go. I'm sure I can find a bus. Pehle pet puja, baki kaam dusra. Yeah, platform 1 pe hi there is this big like restaurant, jaise station pe hota, railway station pe, Kunzum types. And I asked the boy for the menu. Menu? You are menu? Menu. Me menu. What I can eat? What can I eat? Shooting, rice come later. Yeah. Idli vada, pongal puri. Idli vada. Wait. Pongal puri. Appam. Idli vada, pongal puri. Appam. Appam. Rice. Tomato rice. Ah, tomato rice. Coconut rice. No coconut. Tomato rice. Veggie biryani. Okay, tomato rice. So I want to eat tomato rice and they are saying 15 minutes. And biryani, how much? Chicken? I can have chicken biryani. You know, जब मैं केरला में थी ना तो मैं हम कहती थी ऐसा कि खाने की जो क्वान्टिटी होती है ना, कुछ भी आप ऑर्डर करो बहुत ज़्यादा होती है। Like somebody I met in Kerala, he told me that you have to go to Tamil Nadu and see the quantity of food.
आई ऑर्डर अ चिकन बिरयानी बिकॉज मुझे लगता है ना आई कैन नेवर गो रॉन्ग विद बिरयानी, मतलब कितना भी बुरा क्यों ना हो आई कैन स्टिल ईट बिरयानी, लुक एट द क्वांटिटी। इसको खाने के बाद ना इस जगह पे हलवा काफ़ी फेमस है, क्योंकि तो मैं नाम पढ़ती हूँ इस जगह का, यार मेरे को बार बार ना बोलने में दिक्कत होती है, तो लेट मी जस्ट चेक, आई हैव लाइक अ लिस्ट ऑफ नोट्स फ्रॉम ऑल द प्लेसेस। तिरुनलवली, सो या प्लेस इज कॉल्ड तिरुनलवली, मैंने इससे पहले याद था मुझे फिर मैं भूल गई, तिरुनलवली। यहाँ का हलवा काफ़ी फेमस है और अभी बिरयानी खाने के बाद मैं ट्राई करूँगी यहाँ का हलवा और उसके बाद जाएंगे हम बस पकड़ने के लिए। बाय बाय, फूड वॉज गुड, थैंक यू फॉर बिरयानी। नाउ वी वॉक टू प्लेटफॉर्म नंबर 5 टू बोर्ड अ बस टू रामेश्वरम। टेस्ट दिस इज समथिंग। हलवा नेम तिरुवनहेली हलवा। यार जगह के नाम को लेकर ना काफ़ी लोचा हो रहा है मेरे साथ, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, तो प्लीज़ उसके लिए अनॉइड मत होना, बट दिस इज़ द हलवा, काफ़ी फेमस है यहाँ पे। ऑल दो मैं बस स्टैंड पे ही खा रही हूँ, आई एम श्योर यहाँ पे मिठाई की दुकान में कुछ इससे भी ज़्यादा अच्छी होगी, बट जो मिल रहा है उसमें मैं खुश हो रही हूँ मैं तो। आई लाइक दैट एवरीथिंग इज सर्व्ड हियर ऑन बनाना लीफ। दिस टेस्ट लाइक यू नो गुड होता ना, गुड जैगरी, जैगरी गुड गुड। रामेश्वरम एट दिस टोटूकुड़ी बस स्टैंड एंड यहाँ से रामेश्वरम की बस मिलेगी। अभी 2:30 बज रहे हैं, 3 बजे की बस है और 3 घंटे कुछ लगेंगे। थोड़ा एग्जॉस्टिंग हो गया बिकॉज ऑफ गर्मी, बट आई एम सो ग्रेटफुल कि बारिश हो गई यहाँ पे, तो पिछले 2-3 घंटों से अच्छी अच्छी हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, तो इट वॉज रिलैक्सिंग, राइट, ठीक था, इतना मुश्किल नहीं था। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हो रही है लैंग्वेज को लेकर, बी ऑनेस्ट, बट इतना तो एक्सपेक्टेड है, राइट। आई एम इन अ लैंड बट हिंदी इज़ नॉट लाइक अ वेरी वेल नोन लैंग्वेज, नीदर इज इंग्लिश, तो दिस काइंड ऑफ डिफिकल्टी इज स्टिल ओके, आई वॉज प्रिपेयर फॉर इट। सो आई रियली कांट वेट टू रीच रामेश्वरम एंड गो टू माई होटल एंड स्लीप, आई एम टायर्ड, आई हैव बीन अवेक सिंस मॉर्निंग 4:00 एंड कन्याकुमारी में मैंने ब्लॉक किया था 4 बजे सुबह से उठ के, एंड आई थिंक 9:30 अराउंड आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम कन्याकुमारी टू रामेश्वरम। नाउ इट्स 2:30, प्रीटी मच एग्जॉस्टेड नाउ।